सो हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। देखो अपन लोग आ चुके हैं स्विफ्ट। सो ये स्विफ्ट का बेस मॉडल रहने वाला है और एलेक्स आई है बेसिकली कार शो के पास आई है ये गाड़ी अपनी रेडी होने के लिए। एंड बेसिकली इसमें काफ़ी सारा काम हुआ है, लाइक आपको बताऊँ पावर विंडो लगी है और सेंट्रल लॉकिंग RDK इंस्टॉल हुई है। पावर विंडो जो है वो भी RDK इंस्टॉल हुई है और इसके अंदर आप देखो अपना 9 इंच का प्रॉपर एंड्रॉयड स्टीरियो लगा है और यहाँ पे जो स्टीयरिंग रैप नॉर्मल सर ने चूज़ किया था नॉर्मल स्टीयरिंग रैप हो चुका है और फुल बकेट सीट कवर इसमें इंस्टॉल होने हैं, लाइक देख सकते हो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। एक जो ड्राइवर साइड सीट है वो अभी इंस्टॉल होना है और ऊपर तरफ देखो रेन वाइजर प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और डोर गार्ड कुछ इस टाइप का रहने वाला है। जो साइड बीडिंग देख रहे हो प्रॉपर स्विफ्ट क्या है यहाँ पे मेंशन हो रखा है में ब्लैक एंड ग्रे टोन में एंड स्विफ्ट है ये। और इधर की तरफ देखो व्हील कैप यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं अपने स्विफ्ट में। तो इसमें जैसे जैसे काम होता है सारी चीज़ आपको A to Z में दिखाने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहो। और अभी देख लो इंटीरियर कुछ अपना ऐसा लुक है। सुबह देखो RDK यहाँ पे प्रॉपर सेंट्रल लॉकिंग अपनी इंस्टॉल हो चुकी है और कुछ इस टाइप की पत्ती लग के ये इंस्टॉल होता है। और इधर की तरफ देखो अपना प्रॉपर इसमें अभी पावर विंडो इंस्टॉल होगा वो भी RDK का रहने वाला है। तो इसकी फिटमेंट अभी चल रही है, कोई भी आपकी वायरिंग इसमें कटती नहीं है। बेसिकली जो भाई लोग लाते हैं कंपनी वाली वायरिंग वही इसमें डलती है, कपलर टू कपलर फिटिंग रहता है। और जो कपलर से नहीं होता वो भाई लोग अपना बैटरी से पता नहीं कैसे रिकनेक्शन करते हैं। सभी कोई भी कंपनी की वारंटी लैप्स नहीं होती और प्रॉपर इस टाइप का कुछ कंसोल रहता है। तो बेस स्विफ्ट जो अपना LXi मॉडल आता है उसके अंदर कुछ भी अपना कंपनी लगा करके देती है, लाइक पावर विंडो और अपना सेंट्रल लॉकिंग कुछ भी नहीं आता। सो आफ्टर मार्केट भी आप ये काम करा सकते हो अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो। और अंदर की तरफ देख लो यहाँ पे प्रॉपर फुल बकेट सीट के और अपने रेडी हो चुके हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का टोन रहने वाला है इसका, व्हाइट कलर की स्टिचेज है तो काफ़ी सही लग रहा है। इंटीरियर का लुक देख लो कुछ इस टाइप का भी बन के तैयार हुआ है। तो ये काम करने देते हैं भाई लोग को, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा प्रॉपर, तो बने रहो वीडियो के साथ। भाई साइड से प्रोफाइल देख लो अपनी स्विफ्ट की। सो इसमें प्रॉपर यहाँ पे व्हील कैप इंस्टॉल हो चुकी है जैसे मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी। और ये साइड बीडिंग्स तो आप देख रहे हो प्रॉपर यहाँ पे ग्रे टाइप के फिनिश में इसके अंदर है, तो प्रॉपर यहाँ पे स्विफ्ट मेंशन भी है। ये कुछ साइड व्यू है अपना स्विफ्ट LXi बेस वेरिएंट जो आता है उसका। और इसके अंदर सारा काफ़ी सारा काम हो चुका है ऑलरेडी, मैंने आपको दिखा दिया था, लाइक ऊपर रेन वाइजर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। और अंदर की तरफ देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे अपनी RDK की सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल हो चुकी है और इसके अंदर अपना पावर विंडो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है इसके। देखो ये कुछ ऐसी वायरिंग है इसकी और यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर इसके अंदर ब्लू पॉइंट के स्पीकर भी इंस्टॉल हुए हैं। 4 स्पीकर हैं यानी कि 2 पेयर है और इस टाइप से वो लगने वाला है। A to Z सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो फ्रंट में अपना एंड्रॉयड स्टूडियो 9 इंच का इंस्टॉल हो चुका है, तो बने रहो वीडियो के साथ, जैसा जैसा रहता है सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो देखो अपने स्विफ्ट के अंदर सारा काम हो चुका है। ये LXi वेरिएंट था यानी कि बेस वेरिएंट, तो इसमें सारा काम डन हो चुका है। एंड आपको मैं काम अगर दिखाऊं तो इधर की तरफ देखो प्रॉपर यहाँ पे व्हील कैप इंस्टॉल हो चुके हैं, मड फ्लैप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये साइड बीडिंग्स या डोर बीडिंग्स आप कह सकते हो प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे डोर गार्ड भी इंस्टॉल हुआ है ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखो 4 स्विफ्ट यहाँ मेंशन है, रेन वाइजर इसे कहते हैं, ये प्रॉपर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और प्रॉपर अपना देखो RDK की जो पावर विंडो है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है, इसके अंदर अपना RDK का सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल हुआ है। एंड एक इसमें रिले लगी है जैसे, तो जैसे आप अपना डोर लॉक करोगे तो सारे जो विंडो है ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगी यानी कि बंद हो जाएंगे, तो इससे सेफ्टी आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। सीट के बाद देख लो प्रॉपर फुल बकेट सीट यहाँ पे इंस्टॉल हुए एंड उस साइड भी देखो प्रॉपर अपना RDK की जो पावर विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। बीच में आप देखो एंड्रॉयड स्टूडियो अपना इंस्टॉल हो चुका है। एंड आप चाहो तो मॉडिफिकेशन काफ़ी करा सकते हो अपनी स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है, चलने वाली गाड़ी है, काफ़ी चलती है रोड पर। चाहो तो इसका ओडोमीटर भी टॉप मॉडल में करा सकते हो, इनके गत्ते वगैरह सब कुछ चेंज करा सकते हो। और जो आपने RDK की पावर विंडो अपने लगाई है आप चाहो तो इसमें OEM में भी जा सकते हो, लेकिन OEM में क्या होता है आपके सारे जो गत्ते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो ये प्रॉपर इसकी ऐसी कुछ फिटमेंट है, देख लो पीछे की तरफ भी देखो कुछ ऐसी फिटमेंट अभी निकल के आई है। सो बेसिकली काम गाड़ी में तो नॉर्मल जो काम था अपना सारा गाड़ी में हो गया है। स्विफ्ट का LXi बेस वेरिएंट रहने वाला था और ये सारा काम हुआ श्याम अंकल के पास कार शो पे। तो बैक प्रोफाइल से देख लो कुछ ऐसी स्विफ्ट रहने वाली है। तो इसमें अपना बैक में यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल हुआ है और साइड की तरफ से मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे व्हील कैप इंस्टॉल हो चुकी है, मड फ्लैप प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, साइड बीडिंग इंस्टॉल हो चुकी है, डोर गार्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और ये रेन वाइजर भी यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। इंटीरियर से देख लो कुछ ऐसा है जैसा मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखा दी है वीडियो में। और पावर विंडो RDK लगी है, सेंटर लॉकिंग RDK लगी है और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो अपना 9 इंच का लग चुका है और जो 4 स्पीकर है वो अपने ब्लू पंख के इसमें रहने वाले हैं। सो आप चाहो तो काफ़ी अच्छे से इसको मॉडिफिकेशन और भी अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो, गत्तों पे अपना फैब्रिक लगवा सकते हो, जो जैसा आपका हो आप अपने अकॉर्डिंग सारा काम करवा सकते हो। जितने भी काम थे सारे हो गए और ये सारा काम हुआ अंकल के पास, श्याम अंकल के पास।
तो आना अपना काम करा सकते हो। तो अंकल इसमें हमने आप बता दो क्या क्या काम किया है इसमें। एंड्रॉइड सेट लगाया है, ठीक है, ब्लू पेन के दो सेट स्पीकर लगाए हैं, ठीक है, डोर बीडिंग डोर वायर, ठीक है, और इन्होंने मतलब मेन काम नहीं करवाया अभी, बहुत है काम वगैरह, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, ठीक है, और व्हील कप वगैरह लगवाया और स्टेयरिंग कवर लगाया, ठीक है, और अपना सेंटर लॉकिंग आर डी की और पावर विंडो फोर डोर आर डी की, हाँ सेंटर लॉकिंग भी फोर डोर, ठीक है। तो भाई जो अंकल जो बेसिक काम था सारा इन्होंने करा लिया, पावर विंडो बोलते हैं अभी तो रिले पावर विंडो, ये सेंटर लॉकिंग के साथ जैसे ही गाड़ी लॉक करेंगे शीशे इनके ओपन है वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। सो बेसिक सारा काम इसमें हो चुका है, जो नेडी काम है वो सारा का सर ने करा लिया, बाकी का वो कह रहे कि आगे करवाएंगे, तो जैसा भी अपने अपडेट रहेगा आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। सो भाई मिल लो अपने प्राउड ओनर से जो कि स्विफ्ट के हैं, जैसे आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी है, तो भैया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना पहले एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम याकत हुसैन है, ठीक है, मैं भिवाड़ी राजस्थान से आया हूँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन कराने के लिए, ठीक है, मैंने एंड्रॉइड सिस्टम इंस्टॉल कराया है, सेंट्रल लॉकिंग सीट कवर और ऑलमोस्ट सारे ही काम करवाया है गाड़ी में, ठीक है। तो आपने जो बेसिक काम था लाइक सेंटर लॉकिंग पावर विंडो सारा काम करवा लिया गाड़ी में, और फ्रेंड्स आगे का जो काम था भैया कह रहे थे कभी और आएंगे तो बाकी बाद में करवा लेंगे, तो उसका अपडेट भी आपको दिखा दूंगा मैम। तो आप काम से सेटिस्फाइड हो? हाँ सेटिस्फाइड। तो भैया बेसिकली आए कैसे थे अंकल गाड़ी में, पता कैसे चला आपको? मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला था, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, ठीक है, तो रिव्यू अच्छा था अंकल का, ठीक है, और अंकल से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल यूट्यूब पर थ्रू आया था, ठीक है। तो आप फुली सेटिस्फाइड हो काम से? हाँ, चलो। सो भैया फुली सेटिस्फाइड है, ये भैया की अपनी गाड़ी थी स्विफ्ट LXi वेरिएंट बेस मॉडल, और ये अपने पास आई थी कार शो पे काम होने के लिए। अंकल से मिल लो, अंकल कुछ श्याम अंकल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे, तो आप आकर के अपना काम करा सकते हो।